और इन पूरे जितने भी फ्रूट लगे हुए इनको एक को भी नहीं गिरने देगा, यहीं पे सेट कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रतनलाल यादव और आप देख रहे हैं आरएल गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये देखिए मेरा प्लांट जिसके अंदर फ्लावरिंग आई हुई थी, उस दौरान में मैंने प्लम का आपको वीडियो भी बनाया हुआ है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग थी। अभी फ्लावरिंग के बाद आप इसमें देखिए ये फ्रूटिंग देखिए आप, हर ब्रांच के साथ ये पूरे जितने फ्लावर थे उतनी फ्रूटिंग इनमें बन गई है। तो अभी क्या काम हमको इसमें करना है, इसके अंदर हमने कड़वा एंजाइम का स्प्रे करना है और वो स्प्रे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। और वो कड़वा जो एंजाइम बनाया हुआ है मैंने एलोवेरा का बनाया हुआ, क्योंकि एलोवेरा के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होता है और फंगिसाइड के भी काम करता है। और इन पूरे जितने भी फ्रूट लगे हुए इनको एक को भी नहीं गिरने देगा, यहीं पे सेट कर देगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आज मैं आपको स्प्रे करके दिखाता हूँ। ये मेरा 2 लीटर का पंप है पानी का, इसके अंदर मैंने 5 ml यानी कि 1 लीटर में 2.5 ml के लगभग डालते हैं। तो 5 ml डाल के मैंने इसको तैयार कर लिया है और अब इसको मैं इसके ऊपर स्प्रे कर देता हूँ। स्प्रे हमेशा शाम के टाइम पे ही करना, सुबह या धूप के टाइम में, दिन में कभी भी किसी प्लांट पे कोई किसी भी तरह का स्प्रे हम नहीं करते। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं आप कर रहा हूँ स्प्रे। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें मैं स्प्रे कर रहा हूँ। एंजाइम का वीडियो मैंने अपना चैनल पे अपलोड कर रखा, चाहे तो आप देख सकते हैं। मीठा, खट्टा और कड़वा, और तीनों का अलग अलग क्या काम है वो भी मैंने अपनी वीडियो डाली हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं। फिर भी आपको किसी तरह का कोई संशय है, कोई बात है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको तसल्ली से दूंगा। तो एंजाइम बनाने का मैंने ऑलरेडी बता रखा, वहाँ 1:3:10 का रेशियो, 1% तो होता है गुड़ का और 3% फल का और 10% पानी। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको बिल्कुल अब तर कर दिया है अच्छी तरह से, और इसमें से कोई भी फ्रूट ड्रॉप नहीं होगा। कुछ एक फ्रूट ये मैंने कई दिन हो गए नहीं डाला, इसलिए कोई कोई रेड हो गए हैं, ये गिर जाएंगे, इसके बाद अब कोई नहीं गिरेगा। अभी भी बहुत लगे हुए हैं हमारे पास इसमें, तो ये इतना प्रभावी है कि फ्रूट को बिल्कुल उसके साथ सेट कर देगा। आने वाले दिनों में आपको इसके बारे में फिर भी दिखाऊंगा, कितनी अच्छी फ्रूटिंग आपको बिल्कुल दिखाई देगी। पूरा ऑर्गेनिक ही सिस्टम अपने गार्डन, किचन गार्डन का हमने पूरा ऑर्गेनिक रखा हुआ, हर वीडियो में बताता हूँ, हर समस्या का समाधान ऑर्गेनिक में हमारे पास है। अब कैसे भी चाहे तो आप कर सकते हो। ये देखिए पूरे प्लांट को बिल्कुल नहला दिया है। कड़वे का ये भी फायदा मिलेगा कि इसके ऊपर कोई किसी भी तरह का कोई पेस्ट अटैक नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि इस सीजन में सबसे ज़्यादा पेस्ट अटैक का ही चक्कर होता है, हर फ्रूट पे, फ्लावर प्लांट पे, फूलों पे, सब पे होता है। तो ये उसका भी फायदा करेगा। एक एलोवेरा का जो एंजाइम जो कड़वा होता है उसके बहुत फायदे होते हैं, तो इसलिए मैंने एलोवेरा घर पे लगा रखा था, उसी का मैंने बना रखा है। ये देखिए दोस्तों, मैंने पूरा इसको नहला दिया है। आप भी चाहे तो इस तरह एंजाइम बना के अपने इसमें डालिए, ऑर्गेनिक, बिल्कुल एक पैसे का भी आपका खर्चा नहीं है और बहुत ही बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आने वाले दिनों में 10-15 दिन के बाद आपको फिर इसका वीडियो दिखाऊंगा अपडेट की, देखो हमारा फ्रूट कितना अच्छे से आगे बढ़ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी जानकारी, और मुझे महसूस था कि ये आप तक बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रूट के बाद ये काम ज़रूर करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इसी तरीके की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।